अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ब्लॉग पाकिस्तान। मेरा नाम है करिश्मा वकास। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लोग मोटे क्यों हो जाते हैं, तो आज की हमारी वीडियो है उन लोगों के बारे में जो मोटे हैं तो वो पतले कैसे हो सकते हैं, पतले होने का सफ़र वो कैसे तय कर सकते हैं और वो कैसे एक महीने में 5 किलो वज़न जो है वो बआसानी कम कर सकते हैं। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, गर्ल्स जो कि अभी कॉलेज लाइफ में हैं या स्कूल लाइफ में हैं, अगर वो जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं तो उन्हें इसको जो है वो ख़त्म कर देना होगा। लेकिन एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, तो आप इस रूटीन को सेट करें कि आपने स्लोली स्लोली चीज़ों को छोड़ना होगा। मतलब अगर आप दिन में एक बर्गर या पिज़्ज़ा या समोसे या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से पहले किसी एक चीज़ को आप तर्क कर दें, ऐसे ही दूसरे दिन किसी और चीज़ को, ऐसे ही आप आराम आराम से इन चीज़ों को छोड़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका वज़न जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी जिससे आप अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। तो चलें जी, बात करते हैं सबसे पहली टिप के बारे में, और वो ये है कि आपने सुबह जब उठना है तो निहार मुंह आपने 1 कप गर्म पानी में आपने जो है वो ज़ीरा जो है वो डाल देना है, और इंच 1 इंच की जो दालचीनी है वो आपने डाल देनी है और उसको आपने पका लेना है। मतलब नीम गर्म पानी कर लेना है, उसको पका लेना है और उसके बाद आपने उसको पीना है। और उसके बाद आपने अपना जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है, लंच भी खाना है और डिनर भी करना है, लेकिन तमाम चीज़ें आपने पोर्शन में करनी है, यानी आपने कम खाना है। डाइट आप 100% अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 50% आपने डाइट जो है वो स्टार्ट कर देनी है। उसके साथ साथ अगर आप 20 मिनट्स की वॉक भी कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपना वेट जो है वो एक महीने में 5 किलो जो है मुस्तकिल तौर पर गिरा सकते हैं, अगर आप अपनी डाइट को इस तरीके से बैलेंस करते हैं। और अगर आप जो है वो बाहर का खाना खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो इसका भी इलाज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको बाहर के खाने पसंद है तो यकीनन आप जो है एकदम तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसका मेथड ये है कि आप बाहर के खाने खाएं ज़रूर, लेकिन लेस ऑयल में, मतलब कम ऑयली खाना शुरू करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है बाहर के खाने को तर्क करना शुरू कर दें। अपनी लाइफ से सॉफ्ट ड्रिंक को जो है बिल्कुल हटा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक में पाई जाती हैं, जो कि पीने के 40 मिनट्स के बाद रिएक्शन करते हैं, और आपके जिस्म में बोतल पीने के 40 मिनट के बाद जो है वो रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप नाश्ते में पराठे वगैरह खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप एक खुश्क रोटी आधी चम्मच आप देसी घी लगाकर किसी भी सालन के साथ आप खा लेते हैं तो वो भी आपको वही जायका देगा, और लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आप दोपहर में 3-4 बजे सलाद का बाउल खा लें, और उसके बाद रात को जो भी खाना आपके घर बना है उसको पोर्शन में डिवाइड कर लें। मतलब आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 कर लें, और अगर 3 खाते हैं तो 2 कर लें, 1 खाते हैं तो आधी कर लें। इस तरीके से आप हेल्दी भी रहेंगे और अपना वज़न भी बहुत जल्दी दिनों में आप कम कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो यकीनन समझ में आई होगी, और आप मेरी किसी भी बात पर अगर अमल करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।